नमस्कार आपनारा देखछेन न्यूज निर्भीक यूट्यूब चैनल और दिन शेषे गुरुत्वपूर्ण खबर निये उपस्थित आमी शरण सुंदर दास। चीना सेना बा पीपल्स लिबरेशन आर्मी संक्षेपे पीएलए गालवान उपत्यकाय गत दो सप्ताहेरो बेशी समय धरे 100टिरो बेशी ताँबू खाटिएछे। भारी यंत्र एने पाका रास्ता बांकारो तैरी करार चेष्टा करछे। एई खबर साउथ ब्लके आसार परे ओई अंचले भारतीय सेनार संख्याओ बाड़िये देवा होयेछे। मोट कथा, भारत चीन सीमान्ते एखन चरम उत्तेजना। करोनार माझे ठीक एई परिस्थितितेई भारत चीन सीमान्त संघर्षके कोनो कोनो गोदी मीडिया इच्छाकृतभावे एटाके भारत और पाकिस्तानेर सीमान्त संघर्ष बोले प्रचार चालानोर चेष्टा करछे। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে মিডিয়া নামের এই সব কলঙ্ক কি ইন্টারনেটের এই যুগেও ভারতবাসীকে নেহাতি বেয়াকুব ভাবেন, নাকি ভাবেন বিশ্বের প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি ঘটনার আপডেট পেতে সবাই গোদি মিডিয়ার গাঁজাখুরির গল্পের ওপরেই নির্ভর করে থাকেন। চীনের সেনাবাহিনী, ইংরেজিতে যার নাম পিপলস লিবারেশন আর্মির কথা কে না জানে, সংক্ষেপে তাকেই বলে পিএলএ, পিএলএ। কিন্তু গোদি মিডিয়ার মজ্জাগত স্বভাব, যেখানে বিশ্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর বাদ দিয়ে শুধু নিজের নাগরিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস, হিংসা আর হানাহানি তৈরি করা, তারা তো চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি সেনাবাহিনীর প্রথম অক্ষর অর্থাৎ পিকে পাকিস্তান ধরেই পিএলএকে পাকিস্তান লিবারেশন আর্মি বলবেই। আমরা শুধু ভাবি একটা মিডিয়া কতটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ইসলাম ফোবিয়ায় আক্রান্ত হলে বা ইসলাম ফোবিয়ায় ভুগলে তবে এতটা নিচু এবং নিকৃষ্ট মানের কাজ করতে পারে। Which is the Pakistan Liberation Army war model which it has constructed, just a photocopy of what Ladakh is looking like. India is building bridges and roads to protect. আনলকডাউন ওয়ান শুরু হয়ে গিয়েছে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সংক্ষেপে আইমিম সুপ্রিমো তথা হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কি বার্তা দিলেন একটু দেখে নেব। মেরে পুরে মুসলমানো সে আপিল ইয়ে হ্যায় কি হাম তমাম কো এক পলিসি আর এক উসুল বানানা চাহিয়ে কি হামারে মসজিদো মে জো 65 সাল কে উপর জঈফ হ্যায় উনকো হাম রোকে কম সে কম एक जून के पूरे महीने खत्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है, मुख्तलिफ खुदा ना खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के खत्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ अपराध हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकाल कर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट्स से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात, काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वजू का इंतजाम ना रखें, क्योंकि वो वजू करते कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते तो लोग घर से ही अपने वजू कर कर आए, और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्तिया इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहां जहां मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो, या टर्की हो, या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंदे से खंदा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब, तो क्या मुफ्तिया इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सब बंदी करें नमाज की। ये हमारे मुफ्तियों को सोचना पड़ेगा कि कितना ये कर सकते क्या, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में हो रहा है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे उलमाओं से कि वो भी इसका
फैसला कर ले। मगर दूसरे जो चार चीजें मैं कहा हूं उस पर यकीनन गौर करिए आप। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को मत जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि वायरस अभी बढ़ रहा है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस बढ़ रहा है अभी। और खास तौर से जो हमारे 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जो लोग मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, जिसको किडनी की बीमारी है, हार्ट की है, लंग्स की है, डायबिटिक है, उनको तो और एहतियात करने की जरूरत है, बहुत एहतियात करने की जरूरत है उनको, क्योंकि उनकी जान को बचाने का है। यकीनन हमको एक रूहानी और खलबी सुकून मिलता है जब हम अल्लाह के घर में जाकर सर्वसजूद होते हैं, मगर इस्लाम की हम तालीमात भी है कि जान बचाइए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस होता है तो फिर उनके घर वालों को उनसे जो मुलाकात किए, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है ट्रेसिंग का, प्राइमरी कॉन्टैक्ट कौन थे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कौन थे। ये मेरे एहसास हैं और ये उसी वक्त होगा जब हमारे तमाम मुफ्तिया इकराम, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र के हों, वो इसका एक इज्तिमाई तौर पर नोट लेकर सबको बताएं। এবার আসি ঘূর্ণিঝড় নিসর্গের খবরে। ঘূর্ণিঝড় থেকে আরও শক্তি সঞ্চয় করে সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম বা মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে নিসর্গ আজ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের উপকূলে আছড়ে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। আজ দুপুর একটা থেকে ঝড়ের দাপট শুরু হবে বলে জানিয়েছিল দিল্লির মৌসুম ভবন। মুম্বাই থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে আলিবাগের উপকূলে দুপুর একটা থেকেই নিসর্গ আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। 3 জুন বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয় যে গোয়া এবং মুম্বাইয়ে ডপলার ওয়েদার রেডারে জরুরি ভিত্তিতে মনিটরিং করা হচ্ছে এই নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়ের। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে যে রেডারের মাধ্যমে বোঝা গিয়েছে যে নিসর্গর আই বা চোখ প্রায় 65 কিলোমিটার বিস্তৃত এবং প্রতি ঘণ্টায় তার ব্যাস কমছে বলেই নিসর্গ আরও শক্তিশালী হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। মৌসুম ভবন থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় নিসর্গের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় 110 থেকে 120 কিলোমিটার পর্যন্ত, এছাড়া 6.5 ফুট পর্যন্ত উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে বলে জানানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে আমফানের মতো বিকেল থেকেই সন্ধ্যের মধ্যে আছড়ে পড়ে নিসর্গ ঘূর্ণিঝড়ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই সহ গুজরাট, দাদরা নগর হাভেলি এবং দমন দিউয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায়। তবে বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও জানা যায়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। তিনি বলেন, দেখে শুনে মনে হচ্ছে করোনায় দিল্লিতে বেশি মানুষ আক্রান্ত আর মৃত হলেই যেন কেন্দ্র সরকার খুশি হয়। জয় সাথিও, ইস করোনা সংকট কাল মে ভি ভারতীয় জনতা পার্টি আপনি ওছি রাজনীতি, আপনি ঘটিয়া রাজনীতি সে বাজ নেই আ রহি। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से एक ही राग अलाप रही है कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बात की प्रसन्नता हो, खुशी हो कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, और वो कोई सहयोग करने के बजाय, इस संकट में सरकार का साथ देने के बजाय दिन रात अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को गालियां देने में अपनी पूरी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और ये पूरी दिल्ली देख रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि इस संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है, क्या योगदान है, इस संकट में वो दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। और जिन आंकड़ों की बात वो कर रहे हैं, कोरोना से मौत के आंकड़ों के बारे में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों को जारी करने के लिए, उस रिपोर्ट को घोषित करने के लिए, मौत के बारे में जानकारी देने के लिए जो डेथ ऑडिट कमेटी बनी है, यानी डॉक्टर्स की जो कमेटी बनी है, यानी कोरोना योद्धाओं की जो कमेटी बनी है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली उच्च न्यायालय को कोई संदेह और शक नहीं है।
তো আপাতত এই পর্যন্ত। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য চোখ রাখুন আমাদের নিউজ নির্ভীক ইউটিউব চ্যানেলে। ধন্যবাদ।